ये जो मैथ की पढ़ाई हो रही है इसमें हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे हम लोग कंपटीशन में बहुत अच्छे ढंग से कम समय में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला हम ट्रिक करते हैं। ये ट्रिक पहला देखिए, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल में दोनों संख्या में इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो 5 हो, तथा दोनों संख्याओं का अंतर 10 हो, अंतर कितना 10, यानी इकाई अंक आपका जो है ये 5 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए उसमें 10 होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। तो उनका गुणनफल करने के लिए दहाई वाला अंक में, दहाई वाला अंक में दहाई बड़ा अंक, तो दहाई बड़ा अंक है उसमें एक जोड़ना है, दहाई बड़े वाला अंक में जो बड़ा है उसमें एक जोड़कर, तो दहाई बड़ा अंक और प्लस 1 एक जोड़ना है, छोटी वाला संख्या से गुना करना है और गुना छोटी संख्या से गुना करेंगे, छोटी संख्या दहाई, यानी दहाई वाला अंक बड़ा है उसमें एक जोड़ देंगे और छोटी वाला जो दहाई संख्या है उसमें से एक हम ये उसमें से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद बाई तरफ लिख देते हैं और दाहिना तरफ, दाहिना, तो दाहिना तरफ जो है ये 75 हमें से लिखना है, तो ये 75 जो हमारा है ये पूरा कंप्लीट है, यानी इसको हमको जो 75 लिखना है वो पूरा कंप्लीट लिखना है। तो हम लोग ये देख लिए हैं कि कोई संख्या दो अंक है और दोनों अंक का डिफरेंट 10 होना चाहिए और दोनों के लास्ट में 5 आना चाहिए, तो जब दोनों के लास्ट में जो है दोनों का ऐड करना, ये इकाई अंक 5 होना चाहिए, तब उसको हम कैसे करेंगे, तब ये देखिए। तो इसमें हम देख रहा पहले सवाल नंबर 1, 75 और इंटू 85, तो 75 इंटू 85 है, तो 75 इंटू 85 है, तो हमको बोला कि ये दोनों तो 5 ठीक है और ये दोनों का अंतर भी 10 ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बड़ा संख्या, तो बड़ा कौन है 8, तो बड़ा संख्या को कह रहा है कि एक बढ़ा दीजिए तो 9 हो गया, और ये वाला जो है इसका दहाई अंक कौन है 7, तो 9 से 63 60, और लास्ट में कितना कह रहा है दाहिना और 75, तो 75 लिख दिए, तो ये आंसर हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, कब इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखे तो ये देख रहे हैं 95 और 85, तो 95 85 दोनों का अंतर कितना हो गया 10 और दोनों के लास्ट में 5 है, तो हमको जो है ये 75 लिखना है, 75 लिख दिए। अब दहाई वाला कम सोचते हैं तो दहाई वाला बड़ा 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दिए तो 10 हो गया, और इसका दहाई छोटा वाला कितना 8 है, तो 10 8 80, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से अगर और भी हम संख्या लेते हैं तो ये हमारा 45 और ये 55 लेते हैं, इसको हम दोनों करेंगे तो ये 75 तो हमारा हो जाएगा ही, और ये है तो इसमें बड़ा कौन है ये, तो 5 में हम प्लस 1 कर दिए तो 6 हो गया और गुणी ये 4 हो गया, 6 4 24, यानी 24 75 इसका आंसर हो गया। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि मान ली कि 9 है तो 95 है और 85 है, तो 95 85 है, तो इसको भी इसी तरह से है तो ये 80 75 हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं 3 5 और 4 5 को देखते हैं, तो 3 5 और 4 5 देखते हैं तो देखिए 75 ये हो गया और ये इसमें बड़ा कौन है 4, तो 4 को हम प्लस 1 कर दिए तो 5 हो गया और दहाई वाला 3 हो गया, यानी 5 3 15 हो गया, 15 75। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा कि अगर दो संख्या है दोनों का अंतर 10 है और दोनों को लास्ट में 5 है तब हमको इस तरह से काम करेंगे, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कह रहा है 7 5 रूल, तो 7 5 रूल का मतलब है कि दहाई अंक सेम होना चाहिए, दहाई अंक सेम, तो दहाई अंक सेम रहेगा सब मैंने बराबर रहेगा, और इकाई अंक का जोग, इकाई अंक का ये जोग जो रहेगा हमारा वो कितना होना चाहिए, तो इकाई अंक का जोग जो है ये 5 होना चाहिए, इकाई अंक का जोग 5 रहेगा तब ये अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें मान लिया कि कोई हमारा ले लिया एग्जांपल, तो 23 ले लिए और 22, तो ये दोनों का अंक जोड़ दिए तो इकाई अंक 5 हो गया और ये दोनों सेम हो गया, तो 7 5 रूल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसको हमको जब गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम ट्रिक क्या बनाएंगे, तो ये देखिए, तो ट्रिक कह रहा है कि ये दोनों का हम गुना किए, तो ये दोनों डिजिट को इकाई को गुना किए तो 3 2 6, तो जब भी हम लिखेंगे तो डबल संख्या, तो 6 6 आया तो 0 6 लिखेंगे, और इसके बाद ये कह रहा है तो इसको स्क्वायर करना है, इसको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर इसको करेंगे तो स्क्वायर करके हमको क्या करना है कि इसमें जो है से 1 ऐड कर देना है,
यानी दहाई का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर अब प्लस हाफ दहाई, ठीक। और लास्ट में तो है इकाई और गुने इकाई, इकाई गुने इकाई। अब इसमें हम यहां कर रहे हैं तो 0.6 ले दिए और दो दुना 4, अब एक यहां दो है तो यहां हाफ अध्ययन कर रहा तो दो का एक होगा तो 4 अवे 5, तो दो का स्क्वायर 4 और आधा ये हो गया 5। अब इसी तरह से आगे देखिए, मान लीजिए हमको 82 को चुनना है और 83 को करना है, 83 इसको 3 × 6 तो 0.6 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 का स्क्वायर किए तो 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और ये आधा करना है इसको तो 8 का आधा कितना होगा 4 यानी 68 ये आंसर हो गया, तो इस तरह से हो गया। अब एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, मान लिया कि यहां से जो हमारा है तो इसमें एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं तो ये हम देख लेते हैं यहां से कि कैसे कैसे काम होगा। तो इसमें जो है 24 देख रहे हैं, 24 तो 24 को गुना करना 21 हो गया तो 4 × 1 = 4 = 4 हो गया ये, और 2 तो 2 × 4 हो गया और इसका 2 का आधा 1 = 4 = 5 = 5 = 4 हो गया। ये हमारा जो है ये, तो इस तरह से इसका जो है यहां पर ये चीज हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये आंसर हो गया, ये पूरा कंप्लीट। और इसमें हम एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल एक और देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल 92 और 90 ये है, तो ये हमारा 92 हो गया और ये 93 हो गया, तो 3 × 6। अब देखिए 9 × 9 = 81, 81 है इसका आधा कितना हो जाएगा तो 81 = 85, 9 × 9 = 81 का स्क्वायर और 9 का आधा तो 4 × 8 = 4 तो 81 = 85 और ये 0.6 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप 10-20 को सवाल कीजिएगा एक्टिव या बनाइएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम तीसरा हम देख रहे हैं, इसमें 9 × 99 से गुना करना है, तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है तो मान लिया कि हमारा जो संख्या कोई दे दिया है तो इसको गुना है 9 × 99 से, तो हम कैसे करेंगे, मान लिया हमारा 6 है 7 है इसको 9 से गुना करना है तो क्या करना है, इसको 6 × 5 = 7 हो गया 0 × 6 = 5 = 7 यहां से माइनस कर देंगे तुरंत 7 × 3 = 10 अब ये हो गया 16 हो गया, तो 6 में से 5 गया तो 1 और ये 15 तो 15 तो 9 × 6 = 15 और ये हमारा जो है ये जो है तो ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा अगर गुना करना है 8, 9, 6, 7 और 9 से गुना करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर 0 बेटा कितना घटा देंगे तो 8, 9, 6, 7, 0 8, 9, 6, 7 तो 7 × 3 = 10 6 × 1 = 7 और ये 16 तो 9 × 7 = 16 और ये हमारा जो है 8 × 7 = 0 और ये 8 हो गया, ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां से 7, 4, 5, 6, 3 ये 9 हो गया, इसमें 9 से गुना करना है तो इसको हम क्या करेंगे 7, 4, 5, 6, 3, 9 जीरो लिख दिए 7, 4, 5, 6, 3, 9 इसको हम माइनस कर देते हैं तुरंत आंसर आएगा, तो 9 में से 10 गया 1 और ये हमारा बचा 8 तो 5 × 3 = 8 और ये हमारा तो ये 13 बच गया 6 × 7 = 13 हो गया, ये 5 में से 5 गया 0 हो गया, ये 4 में से 5 गया 1, ये 14 में से 7 गया 7, ये 6 बच गया, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से गुना करना आसान हो गया, तो इस तरह से ये है। और इसके बाद ट्रिक आते रहेंगे और नए नए चीज हम लाते रहेंगे, तब तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है अपने स्टूडेंट कंपटीशन जो तैयारी करते हैं उसके बीच में लाए। और ये नंबर सीरीज से चल रहा है तो नंबर से हम लोग चल रहा है, तो ये फर्स्ट लेसन है, इस तरह से पार्ट वन करते करते आपको चलेगा, जैसे जैसे हम बेसिक ठीक होगा आगे हम पढ़ते जाएंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।